सचिन और चार बच्चों को छोड़कर क्या सच में पाकिस्तान लौट रही है सीमा हैदर? टिकट 31 दिसंबर 2023 का है। बता दें, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मुंबई टू कराची टिकट बुक हो चुका है। इसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं, क्या सच में सीमा हैदर पाकिस्तान चली जाएगी? दरअसल मेरठ के सपा नेता अभिषेक सोम ने सीमा हैदर पर फिल्म बनाने का विरोध किया है। इसी को लेकर अभिषेक ने फिल्म डायरेक्टर अमित जानी और सीमा हैदर का टिकट कटवा दिया है। ये टिकट 31 दिसंबर 2023 का है। टिकट सिर्फ सीमा हैदर और अमित जानी का बुक हुआ है, सीमा के चार बच्चों का नहीं। सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं, इसको लेकर आज भी कंफ्यूजन बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ सीमा को लेकर यूपी एटीएस की जांच लगातार जारी है। इसी बीच कुछ लोग अलग अलग उद्देश्य से सीमा हैदर के मुद्दे पर लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर अमित जानी ने बीते दिनों घोषणा करते हुए कहा कि वो सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर एक फिल्म बनाएंगे, जो कि इस नाम से होगी, कराची टू नोएडा। इसके लिए नोएडा में सीमा हैदर और सचिन के रोल के लिए ऑडिशन भी हुए थे। अमित जानी ने सीमा को भी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। सीमा का स्क्रीन टेस्ट हो चुका है। फिल्म में सीमा हैदर को लिए जाने की घोषणा के बाद सपा के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम ने विरोध शुरू कर दिया है। डायरेक्टर अमित जानी ने अभिषेक सोम पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है और ट्वीट कर यूपी पुलिस से शिकायत भी की है। वहीं अभिषेक ने भी अमित जानी के खिलाफ नोएडा पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर माहौल भड़काने का आरोप लगाया है। फिल्म डायरेक्टर अमित जानी और समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इसी बीच अभिषेक ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फिल्म का पोस्टर और मुंबई से कराची की दो टिकटें हैं। इनमें से एक टिकट फिल्म डायरेक्टर अमित जानी के नाम पर है और वहीं दूसरी टिकट सीमा हैदर के नाम पर बुक की गई है। इस टिकट से यात्रा करने की तारीख 31 दिसंबर लिखी हुई है। ये टिकट गल्फ एयर की फ्लाइट में बुक हुई है। इसे शेयर करते हुए अभिषेक सोम ने लिखा है कि देश में गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, अपनी हीरोइन को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। साथ ही अभिषेक ने ये भी लिखा, अमित जानी देश में दंगा कराना चाहते हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस चली जाएगी? क्या वो सचिन और अपने चार बच्चों को छोड़कर यहाँ से पाकिस्तान निकल जाएगी? तो क्या लगता है आपको? ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। मैं एकता यादव आपके साथ, धन्यवाद।